बेजोरी के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को बेजोरी के सावन आया। खैर तो है, लागो लॉटरी वॉटरी निकल आई है, तो रात से दांत ही अंदर नहीं जा रहे बेगम साहिबा के। लॉटरी नहीं समझो, सोने की चिड़िया फंसने वाली है। सोने की चिड़िया? अरे बेगम, इधर तो पीतल का कब्बा फंसने की कोई उम्मीद नहीं, और तुम सोने की चिड़िया की बात कर रही हो। वैसे एक बात तो है, तुमसे शादी करके बदकिस्मती ये चार चांद लग गए। बदकिस्मती तो मेरी है, हैं? एक निखट्टू के बाद दूसरा मिला तो वो भी बिल्कुल उसी के जैसा फोटो कॉपी। तो शुक्र करो तुमसे मेरे बच्चे नहीं हुए कोई, वरना वो भी यही फाके से बिलकते फिरते। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों चुन के बदकिस्मत वाकया हुए, और वो हमारे साले साहब इतने अमीर कबीर आदमी, लेकिन मजाले जो घास डाली है उन्होंने। अरे घास कैसे डालते, तुम जैसे निकम्मे से जो शादी कर ली थी मैंने अपनी पसंद से। अरे मैं तो साले की फैक्ट्रियों के चक्कर में मारा गया। लालच का यही अंजाम होता है। अरे जाली मोहब्बत, तेरे नाम पे रोना आया। अरे छोड़ो रोही बेगम, तेरा 100 रुपए तो देना, रात से पान नहीं खाया, चूना और छालिया ले आऊंगा। इम्तियाज मुगल, जिंदगी भर तुम मांगते ही रहना है, ये दे दो वो दे दो, 100 दे दो 50 दे दो। अरे रखे हुए तो है 100 रुपए, तुम्हारे लिए नहीं है। अरे दे दो ना। जिंदगी भर बीवी को चूना लगाने के अलावा कुछ किया है तुमने? अरे कोई बात नहीं, पर तुम भी तो खा लेती है एक दो पान। आ गई वो। कौन आ गई? अरे सोने की चिड़िया आ गई। खबरदार जो अपनी बकवास की, हाँ ये अपना पान भरा कल्ला बंद रखना, तुम बकवास मत करना उसके सामने कुछ भी।